आज प्रेमचंद के फटे जूते इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। इसी तरह के प्रश्नोत्तर के लिए आपको कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमें मैम बुक का नाम बता दीजिए, तो बुक का नाम है MBD गाइड और दीपक गाइड, जिसमें सभी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, तो आप सेलर से कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दिया हुआ है। अभी हमारा प्रश्न आप देख सकते हो, जिसमें चार ऑप्शन आपको मिलेंगे और इसका एक सही जवाब हमें प्रदान करना होता है। इसमें ए ऑप्शन सही है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं पे ध्यान हमें देना है यहाँ पर, तो नहीं जो है वह गोदान है, गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तीसरा प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी का निधन कब हुआ था? निधन यानी परलोक गमन भी इसे कहा जाता है, तो निधन हुआ था 1995 में और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1995 में उनका निधन हुआ था। आप ऑप्शन देख सकते हो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, खुद के नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको इससे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है, किस प्रकार का किया है, क्या बनावटी, अतिशयोक्तिपूर्ण या व्यंग्य या यथार्थ? तो सही जवाब है यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। यथार्थ चित्रण यानी जैसे हैं वैसा ही दिखाया है। इसके बाद क्वेश्चन जो आएगा वह है, प्रेमचंद का यह फोटो किसके साथ खींचा गया था? तो ऑप्शन ए में लेखक, प्रेमचंद के मित्र, उनकी पत्नी या जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब है उनकी पत्नी यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन सिक्स में लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? तो यहाँ पर आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुंभन दास का यहाँ पर वर्णन किया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, नेम शब्द का तत्सम शब्द क्या है? नेम यहाँ पर नाम नहीं है, नियम से यहाँ पर तात्पर्य है, तो नियम तत्सम है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि उपहास शब्द में उपसर्ग बताना है हमें, तो उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और उपहास दोनों मिलकर के एक नया शब्द बना रहे हैं, उपहास यानी मजाक। उसके बाद में हमारा प्रश्न आ जाता है, प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में हम देखेंगे कि हरिशंकर परसाई मूलतः खालिस्तान हैं, क्या हैं वो, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, व्यंग्यकार हैं या कहानीकार हैं? पाठ पढ़ करके आपको पता भी चल गया होगा कि वह एक व्यंग्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं, तो खालिस्तान में व्यंग्यकार शब्द आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न जो है वह 10 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद कैसे साहित्यकार हैं, किस प्रकार के साहित्यकार हैं, आदर्शवादी हैं, यथार्थवादी, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी? तो सही जवाब जो है यथार्थवादी है, वह यथार्थवादी साहित्यकार थे, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन आता है कि लेखक यह क्यों सोचता है उस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, नहीं पर ध्यान देना है, तो क्या है, उनकी कथनी और करनी एक समान थी, यह सही जवाब है ऑप्शन डी यहाँ पर उनका जो है कि उनकी अलग अलग पोशाक थी ही नहीं, क्योंकि वो सभी समय एक ही जैसी पोशाक धारण किया करते थे, इतने साधारण जो थे, इसलिए ऐसा कहता है। प्रश्न 12, प्रेमचंद के फटे जूते गए की किस विधा की रचना है? यहाँ पर डायरी, निबंध, व्यंग्य और संस्मरण में से क्या है? तो आपने पाठ पढ़ा है तो व्यंग्य विधा की यह एक रचना है, तो यह इसका सही जवाब है। ये जो है इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ नए क्वेश्चंस के लिए हम और वीडियोस आपको देते रहेंगे और मैंने पहले भी आपको दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर के इसी का दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर का वीडियो देख सकते हो। और मैंने पहले भी बताया था आपको, बुक्स हमेशा, ये बुक्स के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं,
आप सर्च कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सेलर से कांटेक्ट करके, तो आपको सारे पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे सभी कक्षाओं के लिए उनकी जो बुक्स हैं उनमें, तो MBD और जो है दूसरी बुक है दीपक गाइड है, और भी गाइड्स हैं, और अभी बहुविकल्पीय पैटर्न चल रहा है उसमें प्रश्नोत्तर भी हैं काफ़ी सारे, व्याख्या भी मिलेंगी आपको पाठ की, और मैंने रिव्यू भी आपको इसका दिया था, आप देख सकते हो चैनल पर इसका रिव्यू मैंने बताया था बुक का। फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप सेलर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, उनके नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ 8708389546, ये उनके नंबर हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।